नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश, भारी बारिश के चलते मोतिया खान इलाके में गिरी मकान की छत, हादसे में एक बच्ची की मौत। दिल्ली में खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स के रूट भी बदले गए। बड़ला हाउस मामले पर सोनिया गांधी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस के पक्ष से नाराज है बीजेपी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। चिदंबरम को राज्यसभा भेजने के कांग्रेस के फैसले पर भड़की शिवसेना, मुखपत्र सामना में लिखा, महाराष्ट्र के सिर पर जबरन चिदंबरम की लुंगी डांस करा रही है कांग्रेस। अमूल के एमडी से मांगी गई 25 करोड़ की रंगदारी, रवि पुजारी गैंग के सदस्य पर लगा आरोप, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। अफ्रीकियों पर हमले को लेकर वीके सिंह का विवादित बयान, कहा मीडिया ने मामूली झड़प को बड़ा चढ़ाकर दिखाया। आईपीएल 9 का किंग मना हैदराबाद, काम नहीं आई गेल की तूफानी पारी, हैदराबाद ने बेंगलोर को 8 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में तेज हवाओं के बाद बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से ही कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जाम लग गया है। वहीं दिल्ली के मोतिया खान इलाके में एक मकान की छत ढहने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बारिश ने तो पीएम मोदी को भी काफी प्रभावित किया। खराब मौसम की वजह से कल रात कर्नाटक के दावणगेरे से लौट रहे पीएम मोदी का विमान दिल्ली में नहीं उतर पाया। पीएम का विशेष विमान जयपुर में उतारना पड़ा। इधर दिल्ली में आंधी तूफान के चलते कई फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ दिल्ली में जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली हुई है, तो वहीं बटला हाउस एनकाउंटर मामले में राजनीतिक सरगर्मियां पड़ गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष से नाराज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और सोनिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनिया गांधी की आवाज की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकी तत्वों को संरक्षण दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बटला हाउस के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने कहा था कि वो फर्जी है, लेकिन आज वही आतंकवादी ISIS में जाकर कह रहा है कि मैं वही आतंकी हूं जो बटला के एनकाउंटर से भाग के आया हूं। अब सोनिया जी क्या कहेंगी। अगली खबर भी राजनीति से जुड़ी। शिवसेना ने महाराष्ट्र से पी चिदंबरम को राज्यसभा भेजने के कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि कांग्रेस ना सिर्फ चिदंबरम को जबरन महाराष्ट्र की जनता पर लाद रही है, बल्कि अपने पैरों पर पत्थर भी मार रही है। शिवसेना ने कहा कि जिस नेता पर आर्थिक हेराफेरी की जांच चल रही है और जो इशरत जहां मामले में गड़बड़ी में शामिल है, उस चिदंबरम पर अपना हाथ रखकर कांग्रेस गलती कर रही है। कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना ने कहा कि चिदंबरम को उनके तमिलनाडु में पैर रखने की जगह नहीं मिली। यह लुंगी डांस महाराष्ट्र के माथे पर मरने का पाप कांग्रेस ने किया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमूल के एमडी RS सोढ़ी से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। धमकी देने का आरोप रवि पुजारी गैंग पर लगा है। जानकारी के मुताबिक अमूल के एमडी RS सोढ़ी को सोमवार सुबह एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रवि पुजारी गैंग का सदस्य बताया। शख्स ने सोढ़ी से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। मांग पूरी ना होने पर उसने अमूल के एमडी को जान से मारने की धमकी भी दी है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त है, तो वही मोदी सरकार के मंत्री अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दावा किया है कि राजधानी में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले मामूली झड़प थे, जिसे मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर हमें उनसे सवाल करने चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में अफ्रीकी नागरिकों पर कई हमले हुए हैं, जिनमें दिल्ली में कांगो के एक युवक की हत्या और हैदराबाद में 23 साल के एक नाइजीरियाई छात्र पर हमले की घटनाएं शामिल हैं। और अब खबर IPL 9 से जुड़ी, जिसका ताज सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में हैदराबाद ने बेंगलोर को करारी शिकस्त दी और 8 रनों से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। इस रोमांचक मुकाबले में अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए पहचानी जाने वाली कोहली सेना वार्नर टीम के गेंदबाजों के आगे पस्त दिखी। हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा था। हालांकि इसके जवाब में बेंगलोर ने पारी की शानदार शुरुआत की, लेकिन
फिर रॉयल चैलेंजर्स के दिग्गज एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए और लगातार छटकों से टीम ने लड़खड़ाकर जीत के मुकाम से पहले 200 रनों पर ही घुटने टेक दिए और इस तरह हैदराबाद पहली बार आईपीएल का किंग बनकर सामने आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।